अमृतसर में भारतीय वाल्मीकि महासंघ पंजाब प्रदेश भावमस के चेयरमैन दीपक बावा और प्रवक्ताओं ने महिला शक्ति को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला विंग का गठन करते हुए श्रीमती मधु को नियुक्त पत्र देकर महिला विंग की प्रदेश महासचिव नव नियुक्त किया। इस मौके पर भारतीय वाल्मीकि महासंघ पंजाब प्रदेश भावमस के चेयरमैन दीपक बावा ने महिला विंग के बारे जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय वाल्मीकि महासंघ पंजाब प्रदेश भावमस परिवार का मुख्य लक्ष्य महिला शक्ति को जोड़ना, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाना है। इस मौके पर नवनियुक्त महिला विंग की प्रदेश महासचिव श्रीमती मधु ने भारतीय वाल्मीकि महासंघ पंजाब प्रदेश भावमस के चेयरमैन दीपक बावा का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह मिली जिम्मेदारी को ईमानदारी और अनुशासन में रहकर निभाएंगी और भारतीय वाल्मीकि महासंघ पंजाब प्रदेश भावमस के परिवार को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगी। आजाद टीवी न्यूज़ के लिए अमृतसर से गुरमीत सिंह बाजवा की रिपोर्ट। मैं दीपक बावा भारतीय वाल्मीकि महासंघ पंजाब का चेयरमैन के प्रवक्ता अज असी जो अमृतसर में भगवान वाल्मीकि भारतीय वाल्मीकि महासंघ पंजाब भावमस परिवार की महिला विंग विस्तार करते हुए मेरी भैन मधु जी ने असी जनरल सैकटरी पंजाब लगाया तो मेरे नाल मौजूद भारतीय वाल्मीकि महासंघ के प्रमुख श्री अजीत मौजी जी तो वाइस चेयरमैन जोड़े यूथ है साढ़े बरतनार जी वह भी मौजूद ने तो मैं समझदा मैं महिला शक्ति तो भावमस परिवार का यो एको मकसद जानता भी भावमस परिवार का मकसद आ महिला शक्ति सशक्तिकरण करना।